तो एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, राम ड्राइव्स अ कार, पैसिव होता है कार इज ड्रिवन बाय राम, राम कार चलाता है, कार राम द्वारा चलाई जाती है। तो एक सेंटेंस लिखा टीचर ने, आई मेड अ मिस्टेक, इसका पैसिव बनाओ। स्टूडेंट ने तुरंत लिखा, आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। तुम टाइम खत्म भी करो यार, आप तो कोई लोगों को तैयार नहीं हो, घर नहीं जाना आप लोगों को। अटे रात अच्छी काटते हैं, 1100 रुपए में छाती ने छोटा तो मिला आप है। हैं तारक मेहता कही काले मार्जिन बंद है। अच्छा, और इतना बुलवाओ मैं बंद हो जावा। ये देखो हिंदुस्तानी आदमी, 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट जरूर निकलवाना। गन्ने के रस की मशीन में इधर डालो, मोड़ के डालो, नींबू फंसा के डालो, जब तक गन्ना प्राण नहीं छोड़ दे तब तक डालते रहो। अरे हाँ, मारवाड़ी पक्का हो भाई सर। और वो भी ये वही है जो खुद का टिकट खरीद के नहीं आए होंगे। आराम से जिंदगी में वसूली भी ऐसे नहीं होनी, हकीकत आई जाए। जोधपुर में बता रहे सच्ची घटना है ये, बिल्कुल एकदम सच्ची घटना। हमारे मोहल्ले के बाहर एक मैकेनिक था, 35 साल पहले की बात है, उसको कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गया, बोले बताओ हिसाब किताब दो। ठीक सर, अब एक काम करो सर, इंस्पेक्टर का मेरे क्या कागज घर पड़े, आपका स्कूटर दो मैं ले ना। इंस्पेक्टर स्कूटर ले गए, 6 बजे तक आए। अब इंस्पेक्टर बैठे बैठ बैठ रो गए। वो आया पापा से, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने सातिरा छोड़ा कहती है। वो आया वापस, का जवाब सुनना आप, वापस आया जब इंस्पेक्टर का शर्म नहीं आती, साले चला गया, कागज लेने में इतना टाइम लगता है, ऐसे ही आप सब दिन भर बैठे बैठे, कोई ग्राहक आयो। बोले नहीं, बोले ये ग्राहक दिन में नहीं आता, इनकम कहीं ढूंढ रही है। मेरे पास तो नितांत निजी जीवन के अनुभव है, मैं तो नहीं पाड़ता। ये अनुभव जीवन में बड़े आवश्यक है, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो होना चाहिए। लेकिन विशी साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हॉल को, इतने खूबसूरत हॉल को, ये कन्वेंशन हॉल में प्रोग्राम अभी होना शुरू हुए मेरे ख्याल से, और है अब हर्जा लाएंगे, मतलब आप तय करो लाभ है। बहुत बढ़िया, नहीं आपका प्यार हुआ तो मैं जरूर आऊंगा और आता रहूंगा। सूरत आना हमेशा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, और ये प्यार बना रहा, और अपने लोगों के लिए तो मैं कहीं भी चला जाऊं साहब, इसमें कहने की क्या बात है, आपके अपने हमारे अपने लोग। अपने लोगों का होना ही बहुत आवश्यक है, हम सारे लोग मिलके, और यहाँ तो इतनी खूबसूरत उर्वरा भूमि, तारक मेहता की भूमि है ये, आज भी तारक मेहता अहमदाबाद में रहते हैं, बड़ी खुशी होती है मैं जब भी यहाँ आता हूँ। और आपने उस सीरियल को इतना प्यार दिया कि देश का नंबर 1 शो बना दिया, हम 1250 एपिसोड हम कर चुके हैं। बिल्कुल जय हो, मैं जानू नाम, आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना चाह रहे हो आप, थोड़ी देर में बबीता तक आएगा ये, मैं जानता हूँ, चरित्र जानता हूँ आप लोगों का, क्या कहना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। सीरियल की बातें हैं, टीवी एक अलग दुनिया है, लेकिन ये जो प्यार है, जो मंच है, यकीन मानिए असली जीवन यही है। टीवी मेरा शरीर है लेकिन कविता मेरी आत्मा है, इसलिए जब यहाँ आके खड़ा होता है तो बेहद श्रेष्ठ लगता है। और आज मैं भी वरना तो खत्म करके चला गया होता, लेकिन जब से मेहता साहब ने कहा आई एम रेडी फॉर इट, मेहता हाँ अबे अबे वाह, कितना वास्ते तैयार हो अभी इशारों कर दो गणपत सा, जर तो है वही नहीं आई। तो जीवन है साहब, खुशी है, यकीन मानिए गणपत भंसाली का अधिकार मेरे बचपन से मुझ पे है, इसलिए जब मैं, यकीन मानिए जितना मैं दुनिया भर में पैसा लेता हूँ उसका 20% भी दे तो मैं चला आता हूँ, क्योंकि बचपन से इन्होंने मुझे बड़े होते देखा है, उन गलियों में खेलते देखा है जहां मैं खेलता था,
तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे सबसे बड़ी चीज याद यकीन मानिए, ये धन तो जीवन में आता जाता रहता है, ये तो हम अपने लिए कमाते नहीं, बैंकों के लिए कमाते हैं। लोन चुकाने में सारी उम्र निकल जाए, ईएमआई भरने में, आप और मैं अपने लिए कहाँ कमाते हैं, सवाल ही नहीं। जोधपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था, तो अंदर से क्लर्क ने कह दिया चला जा थारो बेटे काम को नहीं। बोले रिटर्न भी नहीं भरूं। अरे बात तो अगली असली है जिसमें मजा आएगा। अरे बोले भिखारी होकर रिटर्न भरता है, बोले रिटर्न भरी हो बाद से भिखारी हुई क्यों। भाई क्या बात है भाई साहब, हमारा आनंद अलग है जीवन का और वहीं से प्राप्त होना चाहिए, ये बड़ी आवश्यक चीजें हैं। अच्छा नहीं, नाम वाम लगा के रखे हैं ये सब डोनर्स है, जिनके नाम है वो उन्हीं कुर्सियों पे बैठेंगे, ये अच्छा, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया व्यवस्था बोलिए जी, ये अच्छी बात लगी मुझे, पैसे भी लिख देते किसी ने किसी। रमेश जी दोषी 51,000 जो भी नाम लिख जोड़ा है आगे मालूम पड़ता क्या ना, पूरा हिंदुस्तानी आदमी अगर मतलब कोई हिंदुस्तानी औरत अगर हीरे की अंगूठी खरीद ले और कोई नहीं देखे तो घर में आग लगा दे, फिर क्या देखो वहां आग लगी ताकि सबने अंगूठी दिख जाए। दिखावा हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, हम दिखाते हैं, हमारा दिखावा ऐसा है हमारे घरों में जब मेहमान आते हैं तो आप यकीन मानिए हम कितना दिखावा करते हैं। आदमी की औकात के हिसाब से तो नाश्ता आता है, सामने वाला कौन है, ढंग का आदमी, शैलेश जी आए 4 प्लेट लाओ, दिनेश दिख जाए खाली चाय लाओ। अरुण जय मिली आया कप प्लेट भी हटा के ले जाओ, संजय जाला आया कह तो घर में कोई नहीं है। आदमी की औकात के हिसाब से नाश्ता लाए। तारक मेहता का डॉक्टर हंस आवे तो क्या हुए है जी, तारक मेहता ने डॉक्टर हंस आवे तो उसके लिए क्या प्लेट लाए, हंसदा जावे तो आप घर में कहां रह पाओ, दूसरे दिन आप लंगर में जाके खाओ, मंदिर में ढूंढो किधर है हंसराज, हंसराज अच्छा उसके लिए 2 दर्जी लगते हैं कपड़ा सिलने के लिए, नापने के लिए भी 2 लगते हैं, एक इंच टेप लेके खड़ा रहता है दूसरा घूमता है, शरीर का विस्तार ही इतना। प्लेटें सस्ती है आदमी की औकात के हिसाब से, न तो मेहमान मेजबान को खिलाना चाहता है, असलियत बता रहा हूं, और आडंबर देखो न मेजबान मेहमान की इज्जत करता है, चाय नाश्ता है काजू दाग 3-4 प्लेटें लीजिए, अरे नहीं नहीं अरे थोड़ा एक उठा के खाएगा, भूख भी लग रही होगी तो बेचारा खाएगा नहीं, किसी दिन खा ले किलो लाओ से, जैसे ही जाएगा वो अपनी बीबी को कल तो काजू मत लीजिए क्यों, वो तो खावे जो 3.5 साल से चल रहे थे वो तो खावे। ना ये खिलाना चाहता है। नहीं असली तो सही बता रहा आंटी जी, मैं तो वही बोलता हूँ जो मुझे नजर आता है, मेरे आसपास जो दिखता है मैं वही करता हूँ। मेरे पिताजी को मैं सारी उम्र कुछ नहीं कह पाया इसलिए माइक पे कहता हूँ उनके लिए। मारवाड़ में चूंकि पिता का आविष्कार ही औलाद को ठोकने के लिए हुआ, बचपन में इतना ठुका मैं, थप्पड़ मार दी, और मारने के बाद अब आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, आपने अपनी औलादों को सबको किया ही होगा, एक भी शक्ल पे ऐसा नहीं लिखा कि नहीं किया होगा, यही होगा करते ही है, और ठोक के सुन सामने देख के बात करो, फिर लपड़ ठोक दे सामने देखे, अरे देखू तो ठोको नहीं देखू तो ठोको करूँ क्या, मैंने सारा बदला माइक पे निकाला। क्या कर सकते हो, क्या करेगा चांद, क्या करेगी चांदनी, आवाज से क्या हो जाएगी, तू चांदनी हो गया।
तेरे जैसी चांद नहीं हो तो चांद आ सकता रख ले। ये क्या आप किस अंदाज से बैठी हुई अनामिका जी, मतलब हाँ ये बाकी रह गई थी ना, छोड़ो मैं छोड़ू कि नहीं नहीं हाँ ये तो सत्य है। लाला जी आप ऐसे शकल देखो, राजस्थान सरकार में बड़े अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, फूड सिक्योरिटी बिल, बदन देखो अगले का, सारा फूड तो यही सिक्योर हो रहा है, चीज आइटम है एक से बढ़कर एक, मुझसे बड़े मारवाड़ी है, दिनेश दिक्कत घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देते। कमाल ये संजय झाला अनिमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। ये अरुण जैमिनी सबसे बड़ा आपको समझ में कितना आएगा, इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, इसने उंगली काट ली। इनडायरेक्टली बात की जा सकती है, आपने टीवी में देखा, मैं टेली अच्छा आ गया दिमाग में भी, रास्ते में सोच रहा था कि ऐसा भी विज्ञापन देते हैं वो, आपने टीवी से आते पहले मैं कितना मोटा था। संजय सुनना, लोग मुझे मोटा मोटा कहके चिढ़ाते थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था, न मैं झुकता था न उठता था, लोग मुझे चिढ़ाते थे, फिर मैंने कांग्रेस सरकार को वोट दिया, उन्होंने चीजों के दाम इतने बढ़ा दिए कि कुछ भी खरीद नहीं पाता हूं, अब मैं इतना दुबला हो गया हूं कि सब जगह झुक जाता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार को देना चाहता हूं। भाई वाह क्या बात है, ये कमाल है। चलिए अंत में चार पंक्तियां एक तो अचानक याद आ गई, वो सुना के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अरे नहीं भाई, मिर्ची बड़ा खत्म लाया बार, अबे बोलियो तो ला, मारवाड़ के आदमी ऐसे बोलता नहीं है, बोलता है तो फिर लाता जरूर है कुछ भी, ऐसे बोलना, देखो जुबान की बहुत बड़ी कीमत होती है, जुबान होती है, जुबान मैंने दी थी अरुण जैमिनी से, एक बार मैंने 5,000 रुपए उधार लिए थे जिस जमाने में इसकी औकात थी, मैंने जुबान दी कि मैं टाइम पे चुकाऊंगा, चुकाया साहब मैंने, कब, जब हम दोनों भिंड मुरैना एक प्रोग्राम करने के लिए गए, बस में जा रहे थे डाकू आए लूटने के लिए, मैंने तुरंत दिए ले वापस, बाद में कहना मत के दिए नहीं थे, जुबान की बात होती है, वैसे थोड़ी जुबान होता है, एक मारवाड़ी अपने शादी करी जुबान की बात, 10 साल में 9 बच्चे, 10 साल मुझे ये क्या मजा रखा है, बोले इसके बाप को जुबान दे के आया था, कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। जुबान की बात है, ये आनंद है। चलिए आप यहां आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस मध्यम वर्ग से आप और मैं निकले हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जिस मध्यम वर्ग से आप और मैं निकले हैं वो मध्यम वर्ग हमारे जीवन की सच्चाई है, ये देश तमाम असुविधाओं तमाम तकलीफों तमाम मजबूरियों के बावजूद मुस्कुराता है हंसता है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस देश में 80% चूल्हे ऐसे हैं जो सुबह जलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को जलेंगे या नहीं जलेंगे, बहुत सारे, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहाँ गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए आपने धन जुटाया है, और आप लोगों ने धन दिया है आप ये समझिए आपने यज्ञ में आहुति दी है, कुछ गरीब बच्चों का इससे भला होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पंक्ति, मैंने एक पंक्ति लिखी अरुण 3 दिन पहले और मुझे उससे बेहतर कुछ नहीं लगा। जगदीश भाई साहब सुनना, कि एक 10 साल का बच्चा ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा था, एक मंत्री जी आए, बोले बेटा तुम चाय क्यों बेच रहे हो, बोले क्योंकि मुझे आपकी तरह देश बेचना नहीं आता। उस गरीब तबके के लिए हम कुछ करेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
तब मैं चार पंक्तियां सुना के विराम करता हूं कि हमारी जिंदगी है क्या। मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गांवों में पला बढ़ा, इस गुजरात ने तारक मेहता बनाया, मैं दोनों ही प्रदेशों का बेहद आभारी हूं, एक मेरी जन्मभूमि, दूसरी मेरी कर्मभूमि जिसने तारक मेहता जैसा चरित्र मुझे दिया। हिंदी कविता मेरी सांसों में बसी उस बचपन में जहां मैं बालोतरा, सिरोही, रायपुर, मारवाड़, मावली जंक्शन, निम्बाहेड़ा, न जाने कहां कहां पढ़ा, और इतनी जगहों पे पढ़ने के बाद जो सच मैंने सोचा, जो सौंपा, जो देखा, जो परखा, जो भोगा, वो ये है कि ये हम ही हैं जो मुस्कुराने की ताकत रखते हैं। हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, तब हम कहते हैं कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना। हमारी जिंदगी है क्या कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि चले चले छोड़ा साहब का हम सम्मान सत्कार, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।